हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एबल जॉब्स। माय नेम इज आकाश और आज मैं आप सभी को एक हायरिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि इंडिया मार्ट की तरफ से चल रही है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की। तो आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पे आपका जॉब रोल क्या रहेगा, किस तरीके से हम इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। और आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको ये भी बताऊंगा कि आप यहाँ से कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और गाइज, अगर आप किसी भी तरीके की सेल्स, बीपीओ, बिजनेस डेवलपमेंट इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सिंपली प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन एबल जॉब्स डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि इंडिया मार्ट बेसिकली है क्या और ये किस तरीके की चीजों में डील करता है। तो गाइज देखो, बेसिकली इंडिया मार्ट जो है ये एक ई कॉमर्स की कंपनी है जो बी टू बी में डील करती है, बिजनेस टू बिजनेस। इंडिया मार्ट का मेन काम क्या है गाइज, यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स भी हैं, बहुत सारे होलसेलर्स भी हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये एक मोड का काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि आप एक शॉपकीपर, आप एक रिटेलर हैं और आपकी शॉप है इन्वर्टर्स की है और आपको इन्वर्टर्स की नीड रहती है, तो आप सिंपली इंडिया मार्ट की इस वेबसाइट पे आएंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक वाले यहाँ पे फीचर में जाएंगे, वहां पे आपको इन्वर्टर का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे वहां पे क्लिक करेंगे वहां पे आपको इन्वर्टर बैटरीज के बहुत सारे सप्लायर्स दिख जाएंगे, तो उनमें से जो आपको बेस्ट प्राइस लग रहा है, जो आपकी नियर बाय है, आप उनसे बल्क में उसको परचेज कर सकते हैं। कस्टमर के लिए नहीं है ये, मोस्टली जो है वो रिटेलर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए इस वेबसाइट का। तो यहाँ पे आपको काफी सारे जो है सर्विसेज जो है इंडिया मार्ट की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे कि ड्रग्स एंड फार्मा की सर्विसेज है जो कि मेडिकल फील्ड की होगी, वो काफी सर्विसेज है, हॉस्पिटैलिटी डायग्नोस्टिक की सर्विसेज हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर की हैं, उसके अलावा अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल मशीनरी की है, इंडस्ट्रियल सप्लाईज की है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के जो मैंने अब बताया, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरीके की चीजों में जो है इंडिया मार्ट बेसिकली डील करता है। तो गाइज अब हम यहाँ पे थोड़ा जॉब रोल की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका काम क्या रहेगा। तो गाइज जितने भी क्लाइंट्स इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे विजिट करते हैं या रजिस्टर करते हैं, आपने उन क्लाइंट्स को कॉल करना होता है, आपने उनका वेलकम करना होता है, वेलकम इन द सेंस कि आपको उनको बताना होता है कि इंडिया मार्ट है क्या, ये किस तरीके से आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, देन आपने उनको कन्विंस करना होता है जो इंडिया मार्ट की है जो प्रीमियम सर्विसेज, पेड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। इन केस उनका कुछ डाउट्स आते हैं, कुछ क्वेरीज आते हैं, कोई भी इश्यूज वो फेस कर रहे हैं क्लाइंट्स, तो आपने उन इश्यूज को रिसोल्व करना होता है, और कोई अनरिसोल्व्ड इश्यू है जो कि पहले से सॉल्व नहीं हुए तो आपने उसके लिए टिकट यहां पे रेज करना होता है। टारगेट गाइज यहां पे आपके मंथली रहेंगे जिनको कि आपको अचीव करना होता है, ये टारगेट बेस्ड जॉब है, मंथली बेसिस पे आपके टारगेट्स रहते हैं, और जो लोकेशन यहां पे आपकी रहेगी वो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम रहेगी गाइज। अब गाइज यहां पे ये जो प्रेफरेंस है यहां पे मेन, मतलब जो भी अगर आप दिल्ली, नोएडा या गुड़गांव से बिलोंग करते हैं तो ही आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं, तो ये जॉब प्रोफाइल के लिए आपका जो बिलोंग करना वो जरूरी हो जाता है दिल्ली, नोएडा या गुड़गांव से। नेक्स्ट अगर मैं यहां पे बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे मिनिमम ये है कि आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा इन एनी स्ट्रीम, चाहे वो बीए क्यों ना हो, मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए चाहिए। अगर आप एक एक्सपीरियंस है तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा एज कंपेयर टू फ्रेशर, ये दूसरी चीज है। यहाँ पे आपके पास एक डेस्कटॉप लैपटॉप होना चाहिए विद ए गुड इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि सारा काम हमारा ऑनलाइन ही है। एंड फोर्थ चीज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरीके के कस्टमर्स के साथ डील करना होता है, तो इसलिए आपकी हिंदी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके सैलरी पैकेज की, तो जो आप सैलरी पैकेज यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है 1,75,000 से लेके 2,25,000 पर एनम तक, ये सैलरी पैकेज है जो गाइज आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस जॉब से। तो गाइज अब हम यहाँ पे थोड़ा इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो गाइज देखो ये ना दो तीन तरीके के होते हैं, जैसे या तो वो आपका कॉन्फिडेंस देखने के लिए उस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, या आपकी कम्युनिकेशन स्किल को चेक करने के लिए, या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, या फिर ये देखने के लिए कि आपको कंपनी के बारे में कितना नॉलेज है। तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो बेसिकली हर जगह पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताओ, तो आप उसका एक बेस्ट जो आपका इंट्रोडक्शन प्रिपेयर होता है वो अपना बेस्ट आंसर वहां पे दे सकते हो। या वो आपसे इस तरीके का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी उसके बारे में बताओ, तो वो ये देखते हैं कि हम कितने एक्टिव हैं उस चीज को देखने के लिए। या फिर वो ये पूछ लेते हैं कि हम आपको हायर क्यों करें, तो हमको उनको एक बेस्ट रीजन बताना होता है हायर करने का। जैसे हम उनको बता सकते हैं कि मैं इस जॉब के लिए परफेक्ट हूं, मेरे को सेल्स इजी लगते हैं, मैं लोगों को जल्दी कन्विंस कर सकता हूं, इस तरीके से आप नाम उनको आंसर दे सकते हैं। देन वो ये भी पूछ सकते हैं कि आप इंडिया मार्ट को ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो देन आपको कंपनी के बारे में इसके लिए पहले से थोड़ा पता होना चाहिए बेसिक चीजें कि कंपनी मेन किन तरीके की चीजों में डील करती है, ताकि आप उनके जो यूएसपी से कंपनी के बेस्ट पॉजिटिव थिंग्स है वो आप उनको वहां पे बता पाए।
देन वो कोई फिर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि कोई भी एमपीटी बोतल को सेल करके दिखाओ, क्योंकि हमारा काम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सेल्स का भी है ना, हमको पेड सर्विसेज को सेल करना है, तो आप उनको बता सकते हो इसके बारे में। जैसे आप उनको बोतल की क्वालिटीज के बारे में बताओगे कि बोतल की क्वालिटीज ये है, इसका दूसरे के कंपैरिजन में इसका ये प्राइस है, ये नई क्वालिटी में डिस्काउंट पे चल रहा है, इस तरीके से आप इन चीजों को बोल सकते हो। या फिर वो ये पूछ सकते हैं कि कोई अगर एंग्री क्लाइंट है तो उसके साथ आप कैसे डील करोगे, तो उसके लिए आप उनको बोल सकते हो कि पहले ये जानना बहुत जरूरी है वो क्लाइंट एंग्री क्यों है, उसकी नीड को समझना बहुत जरूरी है। तो जब हमको उसकी नीड का पता लगेगा देन हम उसको सोल्यूशन भी दे पाएंगे। तो गाइस ये इस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो गाइस अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपने सिंपली naukri.com वेबसाइट पे जाना है, वहां पे आपने सर्च करना है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव इंडिया मार्ट, ये लिख के गाइज आपने यहां पे सर्च करना है। देन उसके बाद गाइज सबसे जो पहला जब आप सर्च करेंगे तो जो सबसे पहली जॉब रोल आएगी वो इन्हीं की आएगी, इंडिया मार्ट की तरफ से। आपको वहां पे इनका आइकन भी दिख जाएगा इंडिया मार्ट का, आप वहां पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको सिंपली वो इंडिया मार्ट का पूरा ओवरव्यू दिख जाएगा, वहीं पे आपको अप्लाई का ऑप्शन भी दिख जाएगा, आप वहां पे क्लिक करके इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और गाइज अगर आप किसी भी तरीके की बिजनेस डेवलपमेंट की, सेल्स की, बीपीओ की, इंटरव्यू की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन एबल जॉब्स डाउनलोड कर सकते हैं, इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी जॉब प्रोफाइल है जिसके लिए आप चाहते हैं कि इस जॉब पे कोई वीडियो बनाया जाए तो आप वो जरूर कमेंट करके बताना, तो डेफिनेटली हम उस पर भी वीडियो पक्का बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।